Today we have to read chapter 8, adverbs. An adverb is a word that describes a verb, an adjective or another adverb. Adverbs often tell us when, where and why or under what condition something happens and the frequency at which the action happens. Verb ko modify karne wale words adverb kehlate hain. Is chapter mein hume padhna hai sabse pehle kinds of adverb. Dekhiye, there are different kinds of adverb. First is adverb of manner. An adverb that tells us the manner in which the action takes place is called adverb of manner. For example, the princess and the prince lived happily. Prince or princess kaise reh rahe the? Happily. Second hume padhna hai adverb of time. An adverb that tells us the time in which the action takes place is called an adverb of time. For example, he came yesterday. Kab aaya tha wo? Kal aaya tha. Adverb of place. An adverb that tells us the place in which an action takes place is called an adverb of place. We are waiting outside. Here outside is adverb of place. Adverb of frequency. An adverb that tells us how often an action occurs is called adverb of frequency. For example, I meet her daily. यहाँ पे daily क्या हो जाएगा हमारा adverb of frequency. Daily, always, often ये सभी example है adverb of frequency के. Next is adverb of degree. An adverb that describes the intensity of an action, an adjective or another adverb is known as adverb of degree. For example, her work is almost over. Almost, very, rather, quite ये सभी example होते हैं adverb of degree के. Next हमें पढ़ना है comparison of adverbs. See, like adjective, adverb can also be used for making comparison. There are 3 degrees of comparison in adverb, that is positive degree, comparative and superlatives degree. Positive degree, जब हम एक लोगों के बीच में बात कर रहे होते हैं तो positive degree है. For example, Mary started early. Comparative degree, दो लोगों के बीच में comparison करने के लिए. For example, Sonia started earlier than Mary. यहाँ पे Sonia और Mary के बीच में comparison हो रहा है. Superlatives degree का use हम 3 या फिर उनसे कहीं ज़्यादा लोगों के बीच में comparison करने के लिए होते हैं. For example, Preeti started the earliest among all friends. सारे friends में सबसे पहले किसने शुरुआत की? Preeti ने. यहाँ पे आप टेबल देखिए और क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हाई, हाइयर, हाइएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. तो पॉजिटिव में ER ऐड कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री और EST ऐड कर दे रहे हैं तो सुपरलेटिव्स डिग्री हो जाता है. इसके बाद जब भी हमारे एडवर्ब में LY होता है तो वहाँ पे हम ER और EST नहीं, मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल ग्लैडली का हो जाएगा कंपैरेटिव मोर ग्लैडली और सुपरलेटिव्स हो जाएगा मोस्ट ग्लैडली. इसी तरह क्वाइटली, मोर क्वाइटली, मोस्ट क्वाइटली. ठीक है, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स इररेगुलर होता है, यानी उसकी स्पेलिंग हम चेंज करते हैं और वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स में चेंज होता है. जैसे लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट. ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. हमारे सेंटेंस में एडवर्ब की है, इसके लिए कुछ रूल डिसाइड हैं. सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है. व्हेन द वर्ब इज़ इन ट्रांसिटिव द एडवर्ब इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट. इट मींस जब भी हमारा सेंटेंस में इन ट्रांसिटिव वर्ब है तो एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ही रैन स्लोली. कैसे चला वो? धीरे, स्लोली. शी सैंग ब्यूटिफुली. नेक्स्ट कह रहा है रूल नंबर 2 कि व्हेन द वर्ब इज़ ट्रांसिटिव द एडवर्ब इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्ट. इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वर्ब के बाद एडवर्ब लिख रहे हैं, लेकिन जब हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है तो एडवर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल शी फेस द स्ट्रगल ब्रेवली. यहाँ पे द स्ट्रगल ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद हम एडवर्ब ब्रेवली यूज़ कर रहे हैं. ही ऑफर्ड हिज हेल्प हैप्पीली. शी सैंग द सॉन्ग ब्यूटिफुली. ठीक है, थर्ड रूल क्या कह रहा है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रिक्वेंसी यूजअली कम बिफोर द वर्ब. एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हमेशा हम मेन वर्ब के पहले लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी शेल्डम विजिट आर रिलेटिव्स. ही नेवर एडमिटेड हिज फॉल्ट. तो यहाँ पे शेल्डम, नेवर, टुमारो, टुडे ये सभी हम कहाँ यूज़ करते हैं? मेन वर्ब के पहले लिखते हैं. फोर्थ रूल कह रहा है व्हेन द वर्ब कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सिलरी एंड अ मेन वर्ब द एडवर्ब इज प्लेस्ड बिटवीन द टू. जब भी हमारे सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो तो हमेशा हम एडवर्ब को उन दोनों के बीच में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल यू सी दे हैव नेवर इनवाइटेड अस टू देयर न्यू हाउस. उन्होंने कभी हमें अपने नए घर पर इन्वाइट नहीं किया है. तो हैव हेल्पिंग वर्ब है और इन्वाइटेड मेन वर्ब है, तो
तो एडवर्ब हमेशा इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा. तो नेवर हम कहाँ प्लेस करेंगे, हैव नेवर इन्वाइटेड. इसी तरह आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट. रूल नंबर 5 कह रहा है एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब कम बिफोर इट. ऐसे एडवर्ब जो कि किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को अगर मॉडिफाई करने के लिए हैं तो वो हमेशा उनके पहले लिखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, शी इज़ वेरी स्मार्ट, दे आर हाईली एजुकेटेड. शी इज़ वेरी स्मार्ट, स्मार्ट एडजेक्टिव है, इसके पहले हम एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं वेरी. बट इनफ एडवर्ब इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव दैट इट मॉडिफाइज. इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका यूज़ हम करते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स के बाद में जो वो मॉडिफाई कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल, ही वाज फुलिश इनफ टू डिपेंड ऑन हर. ही वाज फुलिश क्या हो गया एडजेक्टिव, इनफ उसके बाद यूज़ कर रहे हैं. शी इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू डू थिंग्स ऑफ हर ओन, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, इनफ उसके बाद में यूज़ कर रहे हैं. रूल नंबर 6 कह रहा है द एडवर्ब ओनली मियरली इवन नॉट एंड नेवर आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ड्स दे मॉडिफाई. कुछ स्पेशल एडवर्ब्स हैं जैसे ओनली, मियरली, इनफ, इवन, नेवर, नॉट. ये हमेशा ऐसे वर्ड्स के पहले लिखे जाते हैं जिन्हें इसे मॉडिफाई करना होता है. फॉर एग्जांपल, आई मियरली वांटेड टू नो द कॉस्ट. शी वाज नॉट सो क्लेवर एनफ टू फॉरसी व्हाट द रिजल्ट कुड बी. शी नेवर कीप्स हर प्रॉमिस. यहाँ पे आप देखिए, शी नेवर कीप्स हर प्रॉमिस. यहाँ पे कीप्स को मॉडिफाई करना है वर्ब को, जिसी के पहले हम यूज़ कर रहे हैं अपना एडवर्ब नेवर. ठीक है, सो दिस इज़ द चैप्टर जिसमें आपको पढ़ना था सबसे पहले एडवर्ब, देन काइंड्स ऑफ एडवर्ब. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब. फाइनली वी हैव स्टडीड डिग्री ऑफ एडवर्ब एंड देन पोजिशन ऑफ एडवर्ब इन द सेंटेंस. जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड लर्न ऑल द रूल्स गिवन इन योर बुक. एंड Of course, you have to read this chapter very nicely so that everything will be clear to you, and then you try to do the exercises. Good day.